हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंघी स्टैंड कैसे बनता है, क्या क्या उसमें लगता है। ये देखिए, दो कलर का मैंने वायर लिया है। इसमें अभी तक मैंने पहले भी दो वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पे, लेकिन वो एक कलर में की है और अभी मैं दो कलर में बना के दिखाऊंगी। मेरे व्यूअर्स ने किसी ने रिक्वेस्ट की है कि समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अभी अच्छे से समझाऊंगी ये कैसे बनता है। और एक नंबर की मैंने ये रिंग ली है, इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ वायर एक रिंग लगती है और कुछ नहीं लगता। ये देखना, अब इसका करना क्या है, खिड़की में प्लेटना। खिड़की में प्लेटना मैं पहले बता भी चुकी हूँ, खिड़की में प्लेटना कुछ नहीं है उसमें, सिंपल है। और ज़रूरी है इसमें बनाना नोट्स कैसे लगते हैं, वो नोट्स लगाना मैं अच्छे से बताऊँगी अभी आपको। ये देखिए, मैं कंघी स्टैंड बनाना बता रही हूँ अभी आपको। देखना, अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। नहीं ऐसे कैसे आगे बढ़ूंगी, ना आगे नहीं बढ़ूंगी तो मेरा बनाने का मन ही नहीं करेगा। अभी तो मैं बहुत कुछ वीडियो बना बना के न्यू डिज़ाइन देखना अपलोड करूँगी इसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। अभी देखिए फ्रेंड, मैं इसको इस खिड़की में प्लेट दी हूँ। जैसे कि मैंने ये दो कलर का वायर लिया था, पिंक और ब्लू, इसको ऐसे मैं खिड़की में प्लेट दी हूँ। खिड़की में प्लेटना तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अब इसका करना क्या है, इसको ब्लेड से ही कटेगा, ये कैंची से कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक पक्की है। तो इसको मैं उससे ब्लेड से काट के, और जो कि मैंने रिंग ली थी उस रिंग में मैं उस इसको डाल दूंगी। डालने के बाद में फिर मैं इसमें नोट्स लगाऊंगी। हम प्लेट तो इसको चारपाई में भी सकते हैं, चेयर में भी सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ सही रहती है, खिड़की की बिल्कुल लेंथ सही रहती है, नहीं लंबी रहती है, नहीं छोटी रहती है। ये देखना, मैंने पूरा लपेट दिया, ये ऐसे खिड़की में लपेटा है मैंने, ये देखिए। और अभी करना क्या है इसमें, ये इसको अच्छे से पकड़ के इधर से लूज नहीं छोड़ना, अगर हम इसको लूज छोड़ देंगे तो पूरा खुल के और इधर उधर ये पूरा उलझ जाएगा। अभी इसको इससे सीजर से नहीं, ये ब्लेड से कटेगा, ये चाकू की मदद से देखो एक बार करता है तो, इधर से दोनों तरफ से इसको पकड़ के और फिर कट करना है, नहीं तो ये पूरा फैल जाएगा, उलझ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का तो है ये। लेकिन ये हम नई ब्लेड लेके ब्लेड से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत पक्की प्लास्टिक होती है ये। अभी देखिए, मैं इसको काट के और जो कि मैंने ये रिंग ली थी इस रिंग में बीच सेंटर में मैं ये रिंग में डाल दी हूँ, और ये दोनों तरफ से कट के, ये देखना नीचे से ये कट रहना चाहिए, और ये एक साइड से ऐसे पकड़ के एक साइड से इसमें रिंग डाल देनी है। और रिंग डालने के बाद में करना क्या है, इसी का एक ये वायर लेके, इसी का एक जैसे कि वायर लेके, और इधर से ऐसे रिंग के पास से ऐसे इसको टाइट टाइट इसे टाइट टाइट कस देना है। इतने अच्छे से कसे ये खुल लेना, देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे अच्छे से कस के इसको, और फिर इसमें नोट्स लगेंगे। अभी देखिए, इसको मैं प्लेट के इसको इधर से तैयार कर ली हूँ, इसे लाइटर से अभी इसको जला के, और इसी में ऐसे ऐसे इसमें चिपका देना है। ये देखिए, अभी अच्छे से प्लेट गई इसमें। और अभी करना क्या है, इसमें नोट्स लगाना है, नोट्स कैसे लगते हैं वो। अभी देखिए फ्रेंड, इसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है नोट्स लगाने में, जैसे कि मैं हम बड़े नोट्स लगाते हैं उसमें तो इसमें चार हिस्सा करना होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ग्रीन चोटी में पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी हूँ। और अभी इसमें क्या करना है मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखना। इसमें से ये फर्स्ट चार वायर पकड़ना है, ये देखिए ये मैंने चार वायर पकड़ लिया। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने ये चार ब्लू ले लिया, दो कलर मैंने विशेष इसी लिए ली हूँ ताकि दो कलर में अच्छे से समझ आ जाएगा।
चार ये ब्लू कलर ले लिया, चार ये ले लिया पिंक कलर। और इसका स्टार्टिंग में करना क्या है देखना, ये इसको ऐसे ऊपर से ऐसे लेके इसको, ये देखो मेरे हाथ से दिखा नहीं होगा आपको, ऐसे इसमें प्लेट, ब्लू में प्लेट दिया ना मैं, ब्लू में प्लेट के इसको ऐसे इधर ऐसे, दो की मदद चाहिए इसमें, इसको ऐसे पकड़ा देना है। अब मैंने ब्लू ब्लू में प्लेट के एक ये पकड़ा चुकी हूँ, अभी करना क्या है, एक ब्लू एक पिंक लेऊंगी मैं। अभी चार मुझे इधर से ही ये पिंक कलर लेना है। अभी देखिए मैंने पिंक का प्लेटा देके इधर पकड़ा दिए, और ये तो परमानेंट, जैसे कि हम बारीक लगा रहे इसमें, तो ये तो परमानेंट हाथ में रहेगा, एक हाथ में रह गए तो। और ये दूसरा चार चार पकड़ के मैं, और ये पिंक में पकड़ा चुकी, ऐसे ही इसको करना क्या है देखना अच्छे से, ये इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करके, ये ऐसे बस, एक ब्लू पकड़ा दिया मैंने, एक पिंक पकड़ा दिया। और अभी मैं इसमें ब्लू ली हूँ, तो अभी मैं पिंक लेती हूँ चार चार। ये दो कलर विशेष मैं इसीलिए ली हूँ क्योंकि अच्छे से समझ आए, अगर एक कलर होता है तो उसमें समझ नहीं आता है। ये देखना मैंने पिंक ब्लू पकड़ा चुका, और अभी फिर से मैं पिंक ली हूँ, चार ही है ये, काउंटिंग करना देखना अच्छे से, ये चार ही है। इसको ऐसे लेना है ऊपर से, ये ऐसे इसमें नोट्स लगाना है, और ऐसे इधर छोड़ देना है, जैसे कि ये रिंग है, ये रिंग की तरफ छोड़ देना है। और फिर से मैं एक ब्लू लूंगी, ये देखना चार वायर इधर से ये ब्लू का लेंगी, ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसे ऊपर से लेना है इसको, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ। ये देखिए ऐसे लिपक, कितनी सुंदर डिजाइन आ रही है बनने के बाद में, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि मैं एक पिंक ले रही हूँ, एक ये ब्लू कलर ले रही हूँ, जैसे कि दो कलर ले तो दो लाइन आ रही है बनती हुई इसकी। ऐसे ही मैं पूरा बना के तैयार कर दूंगी, ये देखना कुछ नहीं इसमें सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, ये ऐसे इसमें एक प्लेटा लगा के और ऐसे छोड़ना है, ये देखना इसको ऐसे थोड़ा टाइट रखना है, एक ध्यान रखना रहता है इसमें, बहुत ही टाइट टाइट रखना है, नहीं तो अगर लूज हो जाएगी तो वो अच्छी शेप नहीं आती उसकी। अब ये देखिए ऐसे ही मैं इसको पूरी बनाते हुए तैयार कर दूंगी, ये देखना जैसे कि मैं फर्स्ट में ये वायर जितना ली हूँ इतना ये लास्ट तक मैं इसको बनाती रहूंगी, जो जैसे बाकी नीचे वायर रह गया वो ऐसे ही रहेगा। देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है इसकी बनने के बाद में। अच्छे से आपको समझ आ ही गया होगा, ये देखो मैंने ये चार चार पकड़ के और पूरा बस अब ऐसे ही बनाती हुई इसको, जितनी मैं इसको डिजाइन बनाऊंगी उतनी डिजाइन बना लूंगी, डिजाइन हम चाहे जितनी बना सकते हैं। लेकिन इसको टाइट तो अच्छे से टाइट रखना, क्योंकि प्लास्टिक के वायर है ना, ये प्लास्टिक के वायर जल्दी लूज हो जाते हैं, तो इसको खींच के रखना है थोड़ा सा, तो और ज्यादा अच्छी शेप आती है इसकी। ये देखना इसको, अभी देखिए फ्रेंड मेरी इतनी बन के तैयार हो गई है, अब मैं इसको बस थोड़ी सी लाइन थोड़ दूंगी इसमें, देखना कितनी अच्छी शेप आ रही है इसकी।
वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार समझना। जैसे कि मैंने ये ब्लू कलर का फर्स्ट में लिया था, चार वायर ये तो यही चल रहे हैं, और ये अलग अलग कलर लिया था मैंने, जैसे कि लाइन बनती आ रही है, इनका कुछ भी नहीं करना, बस इसको ये देखना, मैं यही साथ में पकड़ लिया, ये इस साथ में इसमें बल देना है, एक ये ऐसे बल दे के और इसको एक टाइप से खींचना है बस। अब वो पिंक का बल दे दिया मैंने, अभी देखना ब्लू का बल दूंगी, ये देखना, लेकिन इसका टाइट तो रखना ही है इसको, ये देख ऐसे टाइट रखने से इसकी अच्छी शेप आती है, बहुत सुंदर शेप आती है। और कुछ नहीं इसको बनाने में, ये देखना ऐसे इसका एक प्लेटा देना है इसमें, ये देखिए, ये देख ऐसे। अगर हम ये चोटी बना रहे तो दो आदमी की मदद चाहिए, हम दो ही इसको बना सकते हैं। और जैसे कि बड़ा नोट्स लगाई हूँ मैं, बड़ा नोट्स लगाने में उसमें चार, अगर हम चार मिलके बनाएंगे तो उसकी अच्छी शेप आती है, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अभी देखिए ऐसे ही मैं इसको पूरी तैयार कर दूंगी, इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक बार समझ आ जाता है तो फिर इसमें बनाने में कुछ नहीं है। ऐसे ही देखो ये जैसे पिंक कलर ले, ये इधर से स्टार्ट है, ऐसे इसमें डिजाइन बनती हुई आ रही है। तो इसमें क्या करना है, इसको ये तो परमानेंट हाथ में रखना ही है, मैं बार बार फिर से समझा रही हूँ आपको। और इसको ये ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे नीचे से लेना है, ये नीचे से लेने के बाद में टाइट खींच के इधर कर देना है, ऐसे ही मैं पूरी बना के इसको तैयार कर दूंगी। ये देखिए बनने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए इसकी कितनी सुंदर डिजाइन आ रही है। बस लेंथ में जितनी भी बनाओ, मैं इतनी तो बना चुकी इसको, और इसको एक दो इंची और बनाऊंगी बस, ज़्यादा लंबी भी अच्छी नहीं लगती डिजाइन। और फिर इसको मैं खोल के बताऊंगी आपको कैसे खुलती है चोटी। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही मैं न्यू न्यू डिज़ाइन बना बना के अपलोड करूँगी। अभी देखिए फ्रेंड मेरी इतनी ये बनके तैयार हो गई, ये देखना कितनी अच्छी शेप आई इसकी बनने के बाद में। अभी मैंने इसको नीचे से अलग अलग ही इसको जॉइंट नहीं किया है, अभी नीचे करना क्या है, इसको ऐसे टाइट से पकड़ के बस इसी में से एक वायर लेना है, ये देखना इसी में से एक वायर लेके और इसको अच्छे से प्लेट देना है, जैसे कि हम ऊपर से टाइट से इसको प्लेट दिए थे, ऐसे ऐसे ही नीचे से प्लेट देना है, ये देखना ऐसे। देखना ये मेरी चोटी बनके तैयार हो गई, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ये देखिए इसी में से वायर लेके मैं इसको प्लेट चुकी हूं, और अभी लाइटर लेके और इसको इधर ही चिपका देना है, रिंग बाकी हो रहा है, रिंग का जैसे कि हम जो भी कुछ बनाते हैं, जैसे यही वायर कोई सा भी कलर ले लेंगे, हमको उसी वायर से इसको बना देना है, देखना कितनी सुंदर बन गई। अभी मैं इसको रिंग को और कवर कर दूंगी इसी से। ये देखिए फ्रेंड मेरा ये पूरा बनके तैयार हो गई कंगी स्टैंड,
अभी जैसे कि अब ये पूरा इसमें बन के ये उलझे फुलझे से हो रहे हैं। अब इसमें करना क्या है ये देखना, करना क्या है, इसको ऐसे खोलना है। खोलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे खोलना है। ये देखिए, मैं एक दो ये खोल के इसको ऐसे साइड कर देना है। और जैसे कि हम एक तार पकड़ रहे हैं, ये देखिए एक तार पकड़ रहे, एक तार में से ये तीन निकलते हैं, एक तार में से तीन निकलते हैं, फिर तीन में से तीन निकलते हैं, एक में से ये नौ निकलते हैं। अब ये देखिए, इतना मैं इसको खोल के दिखा दिया आपको, ये खोलना समझ आ गया होगा आपको। देखना, फिर भी मैं एक वायर और फिर से खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये ब्लू कलर खोला है, अब ये पिंक का एक पकड़ना है, ऐसे पिंक का एक पकड़ना है, और इसको ऐसे करके इसमें से देख, 1 2 3, थ्री ये निकलते हैं, और इनको ऐसे ही खोलते हुए ऐसे पूरा खोलना है। अब ये तीन अलग अलग हो गए, फिर ये तीन में से फिर एक, फिर तीन निकलेंगे। इतनी है भी छोटी बन जाती है, खुलने के बाद में इतनी सुंदर लगती है ये, ड्रेसिंग के पास इतनी सुंदर लगती है, इतनी शो देती है। ये देखना, ये तीन में से तीन ऐसे ही खुलता है। नीचे से बल निकालो इसका, ऐसे ये ऐसे इसका बल निकालना है, बल निकाल के ये खुल गया। अभी देखिए, ये तीन अलग अलग खुल गए, ऐसे पूरी खोल के तैयार करनी है इसको। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।